प्रदेश में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इससे पहले हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला अपने विधानसभा क्षेत्र हल के एलनाबाद के दौरे पर हैं। अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर भी लगाया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे हलके में सबसे ज़्यादा चिट्टा बिक रहा है और यहाँ पर इस नशे का बहुत प्रकोप है। मुझे अपने ही लोगों ने बताया है कि यहाँ के भाजपा के एक नेता जुड़े हुए हैं और उनके करिंदे चिट्टा बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं पर्सनली मुख्यमंत्री से मिल कर दूंगा। एलनाबाद हलके के रूपावास गांव में मीडिया से मुताबिक होते हुए इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कल कहा कि मुझे हलके के ही लोगों ने बताया है कि कुछ गाँव के जो है चिट्टे के प्रकोप में हैं। चौटाला ने कहा कि मुझे इलाके के लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि एक भाजपा के नेता और उसके करिंदे मिलकर चिट्टा बेचते हैं, जिसका नाम गांधी है। अभय ने कहा कि मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं, भाजपा के कई नेता भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी सीएम की गाड़ी में एक नशा बेचने वाला शख्स सवार नजर आया। अभय चौटाला ने कहा कि मैं इन सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से स्वयं मिलूंगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। प्रदर्शन करने के लिए मजबूर रखा। आज भी जो अध्यापक हैं हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ एजिटेशन पे हैं। मुख्यमंत्री ने कहीं ये नहीं बताया 5 वर्ष में क्या किया, कहीं एक जगह भी बस से नीचे नहीं उतरा। बस से नीचे इसलिए नहीं उतर रहा था कि 4.5 साल तो लगातार हेलीकॉप्टर में रहा, और अब अगर लोगों के बीच में जाता तो फिर लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता। इसलिए बस से नीचे उतरने की बजाय, किसी की बात सुनने की बजाय, केवल हाथ हिला करके गया कि मैं तो आखिरी बार आया हूं, मेरा पहला आखिरी आप लोगों से मिलना है। जो 75 पार की बात करते हैं, ये 15 पार भी नहीं कर पाएंगे। इनके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, अगर सबको टिकट दे दें तो इनमें ये मान करके चलो 90% लोगों की जमानत भी नहीं बचेगी। आज के जो हालात प्रदेश के हैं उससे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, कोई नहीं रोकता। आप मेरे साथ चलो, आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं, आपको सब इस बात का एहसास हो जाएगा कि अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाएगी। कोई अखबारों में बयान देने से, कोई सोशल मीडिया के ऊपर खबर चलाने से सत्ता नहीं बदली जाती, सत्ता में आया नहीं जाता। सत्ता में वो लोग आते हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति हरियाणा प्रदेश के लोगों का विश्वास है और हमने उन लोगों का विश्वास जीता है। हमने पिछले 5 वर्ष में प्रदेश के लोगों की जो कोई समस्याएं थी, चाहे कोई कर्मचारी एजिटेशन कर रहा था, चाहे कहीं व्यापारी धरने पे बैठा था, चाहे किसान कहीं मंडी के ताला लगा रहा था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ न्याय कराया। SYL जो हमारी जीवन रेखा है, पानी के बिना हरियाणा सूख रहा है, उसके लिए हमने 2.5 साल आंदोलन किया। क्योंकि अब चुनाव है इसलिए हमें उस आंदोलन को सत्कृत करना पड़ा। अगर चुनाव के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम केंद्र की सरकार को मजबूर करके हमारे हक का पानी लेंगे, और अगर कोई ऊब चुक हुई तो फिर लोगों के साथ खड़े होकर के SYL ने का पानी लेकर के आने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव में भाजपा को जाना पड़ेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ेगी। आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री ने यहाँ जो कार्यक्रम किए उनमें कहीं 200 से ज्यादा लोग नहीं थे, सब दिहाड़ीदार थे, पैसे देकर के लाए गए थे, पैसे देकर के कुर्सियों पे बैठा के पटके पहना के बीजेपी के नारे लगवाए। जिस मुख्यमंत्री के स्वागत में 100 लोग ना जुटे तो फिर हमारे गढ़ में कहां से लगेगी।
हमारा गढ़ पहले था, हमारा सरसागढ़ नहीं हरियाणा गढ़ है। हरियाणा के लोगों का हमारी पार्टी के प्रति विश्वास और भरोसा है। बसपा ने एक बार फिर गठबंधन तोड़ दिया, उन दोनों से पूछो जाके, बयान तो दिए जाते हैं कि हम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। अरे निभा जानता कौन है कौन नहीं जानता, इस बात का उनसे जाकर के पूछो।